टाइट नहीं हो रहा जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, आप इसे कैसे टाइट करेंगे, इस साइड में देखते हैं, इधर में भी दोस्तों एक्सल निकला हुआ नहीं है, तो ये टाइट किस तरह से होगा। सो दोस्तों, ये वीडियो हम आप लोग का कमेंट का आधार पर बना रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, हमारे पास दो फुटरेस्ट है, तो ये जो एक गियर फुटरेस्ट है ये हम साइकिल में लगाने वाले हैं। तो चलिए साइकिल में लगाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। ओहो भाई, ये कैसे लगेगा। सो दोस्तों, आप लोग के साथ अधिकतर ये प्रॉब्लम आता होगा दोस्तों, क्या है ना, नहीं अगर आप मिस्त्री के पास इस तरह का साइकिल लेकर के जाते हैं, आप अपना साइकिल, और मिस्त्री को बोलते हैं कि हमें फुटरेस्ट लगा दीजिए हमारे साइकिल में, मिस्त्री बोलते हैं कि ये फुटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि आपका साइकिल का एक्सल निकला हुआ नहीं है इसके वजह से। तो इसका सलूशन क्या आएगा, आज की वीडियो में हम आप लोग को पूरा बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे। इस तरह का प्रॉब्लम अगर हो रहा तो इजीली आप ठीक कर लेंगे अपने घर में ही, ज़्यादा आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप मैकेनिक के पास ले जाए, मैकेनिक को हमारा ये वीडियो को दिखा दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कि देख रहे हैं साइकिल को हम उल्टा कर दिए हैं। उल्टा करने के बाद सबसे पहले हम आप लोग को यहाँ का सेटिंग दिखाते हैं। तो यहाँ का सेटिंग कंपनी ने कुछ इस तरह से दिए हैं, अंदर में फॉल्स जो है नट दिया हुआ है ये देखिए, और यही जो है व्हील अलाइनमेंट चेन अलाइनमेंट का सेटिंग को पूरा मिलाया गया है ये सिस्टम से। तो सबसे पहले हम चक्का को खोलते हैं, तो ये देखिए दोनों ही नट को हम जैसे ही खोले दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हल्का हल्का नट टाइट था, यानी ज़्यादा नहीं, 7-8 गुना पर जो है टाइट था ये नट आपका, यानी फुल टाइट भी नहीं था, एक्सल ज़्यादा नहीं निकला होने के कारण से। सो दोस्तों, इसके चक्का को बाहर निकालते हैं फ्रेम से और आगे का प्रोसेस आप लोग को बताते हैं। जैसा कि देख रहे हैं चक्का हम बाहर निकाल दिए हैं और इसका जो एक्स्ट्रा नट वाशर जो दिया हुआ है इसे हम खोल के हटा देंगे। हब एक्सल का जो है दोनों ही साइड का हम फॉल्स नट को निकाल दिए हैं, ये देखिए दोनों ही साइड में, फिर व्हील साइड में भी और अपोजिट साइड में भी। तो चलिए अब चक्का को फिट करेंगे। चक्का फिट करने से पहले एक काम करना जरूरी है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए चक्का हम फिट कर रहे हैं, ये देखिए चक्का को हम जैसे फिट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा गैपिंग है, तो ये गैपिंग को मिलाना जरूरी है। ये गैपिंग को नहीं मिलाएंगे तो फिर चेन अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आएगा, चेन उतरने का प्रॉब्लम आएगा, चेन उतरने का जब प्रॉब्लम होगा दोस्तों तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सेटिंग को कैसे मिलाएंगे, एक हथौड़ी आपको ऐसे मारना है, ठीक है, इधर से एक हथौड़ी आपको इधर से मारना है इस तरह से, ठीक है। एक एक हथौड़ी हो गया, ये आपका थोड़ा थोड़ा कम हुआ, फिर इसी तरह से आपको एक एक हथौड़ी फिर मारना है, एक हथौड़ी इधर में और एक हथौड़ी इधर में। तो इससे क्या होगा कि चेन का जो अलाइनमेंट है वो आपका बिगड़ेगा नहीं और एक्यूरेट सेटिंग मिल जाएगा। अब देखिए चेन को यहाँ पर चेक कर लेते हैं, चेन उतरने का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जैसा कि देख रहे हैं, और यहाँ का डिस्टेंसिंग इतना रहता है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेम का, ये देखिए दोस्तों। चलिए चक्का को फिट करके देखते हैं, तो ये देखिए चक्का हमारा फिट तो हो गया, लेकिन और ज़्यादा यहाँ पर अभी बता रहा है गैपिंग जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए इस साइड का चेन अलाइनमेंट सही है हमारा, ये देखिए हम चेक कर लिए, ठीक है, लेकिन ये साइड का जो है लेंथ ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है फ्रेम का, तो ये स्पेस को घटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले चक्का को बाहर निकालने के बाद और फिर से दो हथौड़ी इसमें मारेंगे, ठीक है, इस तरह से दो हैमर करेंगे, एक दो, दो में नहीं हुआ, तीन चार। चलिए चक्का को फिट करके देखते हैं ये सेटिंग सही से हुआ है या नहीं हुआ है। सो दोस्तों ये देखिए सेटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा स्पेस बता रहा है दोनों साइड में, ये देखिए इस साइड में ज़्यादा हो गया फिर इस साइड में ज़्यादा हो गया, ठीक है, जैसा कि दोनों साइड का स्पेस आप देख लिए, तो ये माइनर है, इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेटिंग का मुकाबले सबसे पहले आपको जो है फिर व्हील साइड में नट को टाइट करना है, ठीक है, इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए नट टाइट करने के बाद एक्सल का लेंथ इतना बाहर आया है। अब अपोजिट साइड में जिस तरह से खोलेंगे उस तरह से सारा आपको फिट कर देना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। जैसा कि दोस्तों फिर व्हील तरफ का नट टाइट करने के बाद फिर जब अपोजिट साइड का नट को टाइट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिडिल पे देखना है चक्का को, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं चक्का यहाँ पर एक साइड आपका बता रहा है, इसे आपको मिडिल पे इस तरह से करना है, ठीक है, ये देखिए मिडिल पे हम कर लिए, मिडिल पे करने के बाद हाफ एक्सल नट को टाइट कर देना है, ठीक है, चक्के वाली नट को, ये देखिए चक्का हमारा जो है मिडिल से ज़्यादा हो गया एक साइड इस साइड में, तो फिर से हल्का सा लूज करेंगे और इसे मिलाएंगे सेटिंग को, तो सेटिंग को इस तरह से मिला लेते हैं, मिडिल पे होना चाहिए चक्का। अब एक्सल नट को फुल टाइट कर देना है और चेन को घुमा करके आपको देखना है इस तरह से, ये देखिए चेन अलाइनमेंट का प्रॉब्लम भी नहीं हुआ और एक्सल का लेंथ भी बाहर आ गया, अब इसमें आसानी से फुटरेस्ट लग जाएगा। एक बार उल्टा साइड में भी, एक बार सीधा साइड में भी घुमा करके देख लेते हैं इस तरह से, ये देखिए सीधा साइड में एकदम फर्स्ट क्लास घूम रहा है और फुल स्पीड में घुमा के देखते हैं दोस्तों, चेन तो नहीं ना उतर रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए फुल स्पीड में घुमा के दिखा दिए दोस्तों, चेन उतरने का प्रॉब्लम नहीं है,
सीधा साइड में और उल्टा साइड में भी, ये देखिए ठीक है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है चक्का। और दोस्तों ऑयलिंग नहीं होने के कारण से जो है ना, ये देखिए इस तरह से जब हम पैडलिंग कर रहे हैं और जब पैडल को छोड़ दे रहे हैं तो ये देखिए पैडल भी घूम जा रहा है। तो ऑयलिंग पर जरूर ध्यान दे दोस्तों, ठीक है। आप दोनों साइड का नट को जो है मिला मिला के फुल टाइट आपको दे देना है, ठीक है। इन्हें फुल टाइट का मतलब हद से ज़्यादा टाइट ना दे, नहीं तो हाफ एक्सल जो है स्लिप कर जाएगा। ये देखिए ये सेट का हो गया हमारा फुल टाइट। दूसरा सेट के नट को टाइट कर लेते हैं। तो ये भी हमारा फुल टाइट हो गया, जैसा कि देख रहे हैं चक्का भी हमारा अच्छे से फिट हो गया। जैसा कि देख रहे हैं चेन में हम अच्छे से ऑयलिंग वगैरह कर दिए हैं। अब हम आप लोग को व्हील भी घुमा करके दिखाते हैं एक बार, चक्का घुमा करके। ये देखिए चक्का हम घुमा दिए और जैसा कि देख रहे हैं पैडल को छोड़ दिए, तो देखिए पैडल नहीं घूम रहा है। तो ऑयलिंग जरूर करें दोस्तों, आप लोग अपना साइकिल में ऑयलिंग नहीं करते हैं तो हम हर एक वीडियो में आप लोग को बताते हैं, बोलते हैं प्लीज़ ऑयलिंग कर लिया कीजिए। अब देखिए फुट पेज जो है आसानी से लग जाएगा, फुट रेस्ट आपका, ये देखिए देखिए वाह, फुट रेस्ट हमारा अच्छे से टाइट हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो है स्पेनर की मदद से फुल टाइट दे देते हैं। ये देखिए हमारा फुल टाइट हो गया। ये दूसरा साइड का लगाते हैं, ये देखिए फर्स्ट क्लास दोस्तों, कितना इजीली जो है फुट रेस्ट लग गया, देखें आप लोग, आप लोग का सामने में है ये देखिए। तो इस तरह से अगर कोई भी मैकेनिक बोलता है आपको कि फुट रेस्ट आपका साइकिल में नहीं लगेगा, तो एक बार ये वीडियो को मैकेनिक को दिखा दे या फिर उनको बोल दे कि इसका एक्सल का लेंथ बाहर निकाल दे, स्पेस है, तो आपको ठीक करके दे देंगे और आपका साइकिल में फुट रेस्ट लग जाएगा, आप आसानी से स्टैंड वगैरह कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नॉलेज वीडियो हमेशा देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।